तो अब आगे क्या, अब तक हम लोगों को मोस्ट ऑफ से 5 मूवीज, 2 सीरीज, 15 से भी ज्यादा कॉमिक्स और कुछ कमाल के गेम्स मिल चुके हैं। मोस्ट ऑफ ने एक परफेक्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स को बिल्ड किया है जिसके फैंस हैं सभी एज ग्रुप के लोग। पर अभी आगे क्या, फ्यूचर में गॉडज़िला और कॉन्ग के फैंस को क्या नया मिलने वाला है। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग मोस्ट ऑफ के आने वाले फिल्म, टीवी शो और गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं। 2024 में ही मोस्ट ऑफ एक गेम को रिलीज करने वाला है, कॉन्ग सर्वाइवर इंस्टिंक्ट, एक सर्वाइवल एक्शन एडवेंचर गेम जिसका टाइमलाइन गॉडज़िला एक्स कॉन्ग के इवेंट के बाद सेट है। एक टाइटन अटैक के बाद इस डिस्ट्रॉयड शहर में एक आदमी अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने निकलता है। वो इस एडवेंचर में कुछ गोन्स और कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर्स का सामना करता है, पर जब उसके सामने आ जाता है इस शहर को डिस्ट्रॉय करने वाला मॉन्स्टर टाइटनस एबिडॉन, तब वो मोनार्क टेक की मदद से कॉन्ग को भी समन कर सकता है। गेम का ट्रेलर तो प्रॉमिसिंग है, पर खेलने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा है। मॉन्स्टरवर्स हर एक मूवी रिलीज के पहले अपने ग्राफिक नॉवेल्स को रिलीज करता है, पर मॉन्स्टरवर्स अभी खुद को एक्सपैंड कर रहा है। बहुत सारे नए मॉन्स्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और ये हम फैंस को पसंद भी आ रहे हैं, पर हम फैंस को इन फेमस मॉन्स्टर्स का प्रॉपर स्टोरी चाहिए, जो मूवी के फॉर्म में मिलना तो इम्पॉसिबल है। तो मॉन्स्टरवर्स रिलीज कर रहा है डीक्लासिफाइड, एक कॉमिक बुक सीरीज जो मॉन्स्टरवर्स के 4 अलग अलग मॉन्स्टर्स के ऊपर फोकस करने वाला है। ये अक्टूबर 2024 तक रिलीज हो जाएगा और इसका पहला स्टोरी जो डक के ऊपर बेस्ड है, ये मेरे चैनल में भी है, तो अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अगर मॉन्स्टरवर्स के फैन हो तो इसे मिस मत करना, क्योंकि ये कमाल का स्टोरी है। सीरीज का दूसरा स्टोरी फोकस करने वाला है बिहीमत के ऊपर। थर्ड स्टोरी का सेंटर पॉइंट होने वाली है टाइटनस टियामेट, और इस सीरीज का फाइनल स्टोरी बेस्ड होने वाला है टाइटनस एबिडॉन के ऊपर, जो मॉन्स्टरवर्स का एक नया टाइटन है। मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर 2024 का एक सक्सेसफुल सीरीज है, तो इसे तो कंटिन्यू होना ही था। सीजन 1 में मॉन्स्टरवर्स के बहुत सारे नए टाइटन्स और हॉलो अर्थ का एक अलग ही कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद सीजन 2 हम लोगों को नया क्या दिखा सकता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। सीजन 1 का मेन फोकस था गॉडज़िला, तो ऑब्वियसली सीजन 2 कॉन्ग के ऊपर फोकस्ड होगा। प्रोबेबली ये स्कल आइलैंड के ऊपर बेस्ड होगा। सीजन 2 का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और इसके ओरिजिनल कास्ट भी रिटर्न कर रहे हैं। इस सीरीज का पॉसिबल रिलीज डेट है मार्च 2025। 2024 मॉन्स्टरवर्स और इसके फैंस के लिए एक कमाल का साल है, क्योंकि इसी साल रिलीज हुआ है मॉन्स्टरवर्स का सबसे सक्सेसफुल मूवी गॉडज़िला एक्स कॉन्ग, जिसमें दिखाया गया इन मॉन्स्टर्स के बेहतरीन वर्ल्ड बिल्डिंग और ओवर द टॉप एक्शन ने हम फैंस का दिल तो जीत लिया था, पर मॉन्स्टरवर्स के कोर फैंस को अभी कुछ अलग चाहिए। मॉन्स्टरवर्स के पिछले दोनों मूवीज को कॉन्ग को सेंटर पर रखकर बनाया गया था। मोनार्क सीजन 2 भी कॉन्ग के ही ऊपर फोकस्ड रहेगा और अब तो कॉन्ग के ऊपर बेस्ड गेम्स भी आ रहे हैं। तो अब हम फैंस डेस्परेट हो चुके हैं किंग ऑफ द मॉन्स्टर को एक्शन में देखने के लिए, और शायद ये बात इस फिल्म के नए डायरेक्टर ग्रैंड स्प्यूटर को भी पता है, तो वो भी एक ऐसे मूवी को बनाना चाहते हैं जो गॉडज़िला के ऊपर ही फोकस्ड रहेगा, प्रोबेबली गॉडज़िला के ऊपर बेस्ड सबसे बेस्ट मूवी। इन्होंने इससे पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज आई एम मदर को बनाया है, जो नेटफ्लिक्स का एक बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म है, और इसके विजुअल्स को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इसका बजट सिर्फ 5 मिलियन का था। फिल्म के राइटर होने वाले हैं डेव कैलहम, जिन्होंने इससे पहले शैंगची, इंटू द स्पाइडवर्स और इन्होंने ही 2014 की गॉडज़िला फिल्म को लिखा था। तो हाँ, ये भी एक बेहतरीन फिल्म राइटर है, मतलब डायरेक्टर और राइटर तो प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि ये डुओ किस तरीके से इस लेजेंडरी मूवी को एग्जीक्यूट करते हैं। फिल्म का पॉसिबल रिलीज डेट है मार्च 26, 2027। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।